बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग एसाइलेशन, ना एसाइलेशन, फ्रिडलग्राफ एसाइलेशन। यहां पर क्या होता है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। दिस इज एसाइल क्लोराइड, या और क्या बोल सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एसाइलेशन हो या एसिटाइलेशन हो, बोथ आर सेम, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, बोथ आर सेम। तो आप एसाइल क्लोराइड ही बोल सकते हो या एसिटाइल। दिस इज एसिटिल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड इज एसिटिल ग्रुप, तो एसिटिल क्लोराइड भी बोल सकते हो बोथ आर सेम। यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा आपका कंपाउंड, यह आपका कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड का क्या नाम है, दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन। ठीक है, देखो कैसे होगा, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा बेटा एसिटाइलेशन, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। आपकी बेंजीन रिंग है, उसके साथ जब रिएक्शन होगी CH3C डबल बॉन्ड OCl की, तो AlCl3 क्या करेगा, फिर से क्लोरीन को ले जाएगा और बना देगा AlCl4। अब जैसे ही क्लोरीन गया, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव ने फिर से अगेन अटैक किया नेगेटिव पर, और आपका कंपाउंड क्या बना, पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर हाइड्रोजन है, फिर से क्या होगा, Cl नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन को लेके रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका एसिटाइलेशन यहां पर हो जाएगा। तो यहां पे एक बात याद रखना, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आपको बस डायरेक्ट अटैक करा देना है। और इस तरह से हमारा होता है एसाइलेशन, तो आप एसाइलेशन इजिली करा सकते हो।